लेता हूँ जी, उन्हीं के चक्कर में सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी दो बार पेपर भी तो दिया सर। अच्छा। लेकिन सर हजार रुपए का फॉर्म भर के भी तो कुछ नहीं हुआ सर। मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि मजदूरी करना मेरे जीवन का पेशा था और मेरी मजबूरी भी थी। मजबूरी इसलिए थी सर कि मैं 2 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। सर ये कहा थी हमारे खूबसूरती के राज लक्ष्य है जाए दुकान खरीद लावा थी और हम कहते कि मनीष सर नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग। मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है, चित्र जो विचित्र भासे वो सभी अनित्य है। आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल प्यारे क्षण क्षण बदलता सब सही। हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसी प्रयागराज जिले में एक तहसील है कोरांव। आज उसी कोरांव के एक जबरदस्त फिनोमल स्पेशलिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम मनीष कुमार यादव है सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल, आज से कुछ साल पहले एक छोटी सी सोच आपने बना करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था पढ़ाई के दरमियान कि पार्ट टाइम में करके 5-10 हज़ार रुपये जेब में आएंगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर के फॉर्म अप्लाई करके नौकरी करके जिंदगी मस्त काटेंगे। यही आपने सोचा था? जी सर यही सोचा। लेकिन आज कुछ साल के अंदर आप कुछ पैसा कमाने की फिराक में आए और आज यहाँ से 22-23 लाख रुपए की आपने रेवेन्यू जनरेट कर ली। जी सर। आज मैं जानना चाहूँगा कि एक छोटी सोच वाला इंसान अपनी सोच को इतना बड़ा कैसे कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग में। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से दूर दूर का कोई नाता तो पहले था नहीं सर। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं देखता था कि लोगों के अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेरे बहुत सारे लोग आते थे उस क्लास में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, उनके टिफ़िन में अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करती, लेकिन हम किसान फैमिली से मिलान करने वाले लोग थे, हमारे टिफ़िन में वो भी चीज़ें नहीं हुआ करती, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, फीस के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। कहीं ना कहीं ये चाहती कि हम कुछ कर सकें, लेकिन सर ऐसा एक स्टूडेंट लाइफ वाला वो होता है कि हम वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। एक मुझे रास्ता यही दिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जहाँ स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ पार्ट टाइम करके अर्निंग कर सकते। 2-4 हज़ार रुपए के लिए आया था सर, इतना बड़ा फिगर कि मैंने मतलब सपने में भी नहीं सोचा भी नहीं। हाँ, कितना बड़ा फिगर बन सकता है। एक छोटी सोच थी जी सर कि सामान्य लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आ जाए। हाँ सर यही। लेकिन आज तो पूरा जीवन आपका बदल गया। आज आपके हाथ में एक प्यारा सा आईफोन भी, ये दिखाना चाहूंगा लोगों को, क्या कीमत है इसकी सर? iPhone 13 104,000 जी सर। कीमत 512 MB है, 104,000 इसकी कीमत है। आज आईफोन आप यूज करने का भी आपने सोचा था क्या कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाने की सोच रखता होगा उसके हाथ में 1 लाख से ज़्यादा प्लस का मोबाइल होगा? सर एक्चुअली अगर आप बात करूँ तो आईफोन के मायने भी नहीं पता थे। नहीं, ये तो एमएलएम में आने के बाद हमारे अपलाइन ने हमको वो चीज़ें दिखाई कि सर इस दुनिया में आईफोन होता है जो बड़े बड़े लोगों के पास होता है। हमने कहा सर वो लोग कौन है? बोले इंसान ही है। मैं बोला सर इंसान एक मैं भी हूँ। बोले सर जरूर, और आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपके पास आईफोन आएगा सर और आप खास पर्सनालिटी बन सकते हैं। आईफोन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जनवरी में आपकी कार भी आने वाली है। जी सर, होंडा सिटी की टॉप मॉडल कार लेने वाला। सोचा था कि आपने कितनी जल्दी ताबकतोड़ जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा? कौन था वो मसीहा जिसने आपके अंदर ये चिंगारी भड़काई? वो उस मसीहा का नाम है और मुझे गर्व होता है कि एक ऐसा एक आर्मी मैन है जिनका नाम है मिस्टर सुनील यादव जी, जो इटावा से मिलान करते हैं, उनके माध्यम से मेरी मुलाकात हुई। आज मेरी जिंदगी में अगर 4 चांद लगे। आपके लिए वो अपरिचित थे या परिचित थे वो उस समय? फेसबुक फ्रेंड थे सर। फेसबुक फ्रेंड जी सर। कैसे आपने उन पे भरोसा कर लिया कि ये इंसान मेरी जिंदगी बदलेगा? सर उन्होंने एक चेक डाला था तो मैंने बताया रहा कि हम लोग सोची छोट वाले लोग थे, हमें समझ में नहीं आता था। मैं बोला कि यार ये क्या है, क्या चल रहा है। मैंने उनसे बात करी मैसेंजर से, फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं कर लेता हूं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरी भी लाइफ बदल सकती। ये नहीं सोचा आपने कहीं हमको भी ना फंसा ले? क्योंकि सोच तो समाज में वही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। सर फंसाने वाली बात है, आज मैं आपको बताऊंगा सर कि इससे पहले जो हमारे अपने थे पराये हो गए सर, उनको लगता था कि ये फंसा है, हमको भी फंसा करके बर्बाद कर देगा। लेकिन आज मैं खुश हूँ, बेचारे वो आज वहीं पर है, वहीं जहाँ पर थे। जिन पे आपको बड़ा नाज रहा होगा, घमंड रहा होगा, ये मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, इसको एक फ़ोन लगाऊंगा और ज़िंदगी बदलने के लिए मेरे साथ आ जाएगा, वही आपका साथ छोड़ दिया होगा? जी सर। और मैं जब भी उनके साथ बैठना भी चाहूँ ना तो मेरे से दूर भी भागते थे और बोलते थे बैठना कब, जब अपने उस बिजनेस के बारे में बात मत करना, ये करते थे। देख रहे भैया,
आज मनीष कुमार यादव सर से मेरी मुलाकात हो रही है। छोटी सी सोच थी जीवन में 5-10 हज़ार रुपये कमाने की, आज आईफोन 13 यूज करते हैं, 1,04,000 रुपए का प्लस का मोबाइल है, उसके साथ में एक अच्छी सी कार भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। जी सर, जरूर। मैं थोड़ा सा भाई लोगों से जानना चाहूँगा, बाकी लोगों से, इनके जीवन में आपका कुछ रोल रहा कि नहीं रहा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, और थैंक यू सर आपको जो है आप पुराव के लिए जो है ये चयन किए इंटरव्यू का सर, और ना हम लोगों को सर जो है यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, इसके पहले सर को तो हर कोई पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर आपकी महानता है जो कि आप यहाँ आए हुए हैं, और ना सर हम लोग जो है सर हमारे जो है एक बता रहे हैं कि किसान फैमिली से हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि यहां पे मैं मजदूर किसान मतलब मजदूर का लड़का हूं जी। और एक मजदूर के लड़के को जो है सर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सर ये है कि यहां पे आने के बाद में आज मैं जो है गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी जो सोच है वो इतनी बड़ी हो गई है सर कि शायद जो है मेरे खानदान की ऐसी सोच नहीं है। मुझे सर यहां पे जो है 1 वर्ष काम करते हो गया है, और यहाँ से सर मैंने जो है 2.25 लाख रुपए की इनकम किया है। 1 वर्ष के अंदर 2.25 लाख रुपए कमाई आपने कर ली। जी सर, जो कि हमारे खानदान की बात कर रहे हैं सर, उनकी वहाँ तक सोच नहीं पहुँच पाती थी। मेरे पिताजी, मैं पिताजी के साथ भी अपने जो है मजदूरी हमने भी किया है सर, वही डेली का जो है 200-300 रुपए मिलता था, इससे ज्यादा की कभी सोच होती ही नहीं। एक मजदूर आज सूट बूट में आ गया जी, पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गए, सोशल मीडिया के सामने अपनी बात आप रख पा रहे हैं, सर का कुछ रोल है आपके जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि जो है इसके पहले तो हमको नहीं पता था, पहले लोग बताते थे कि भाई माता पिता ही सब कुछ हैं, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं सर कि आज हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर मनीष कुमार यादव जी, मेरी लाइफ में जैसे होता है कि ये गॉड मेरे भगवान के बराबर हैं सर, बराबर है। बस, और उसके अगर आगे कोई शब्द होता सर तो मैं भी यूज कर लेता सर। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोग अपलाइनों को इतना रिस्पेक्ट और इतना मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंधेरे को मिटाने वाला सिर्फ अपलाइन है। जी सर, ओके सर, मिटा है आपके जीवन? बिल्कुल सर, मिटा है और आगे भी मिटने वाला है सर। तो सर को एक बार शुक्रिया अदा कर दीजिए सामने। थैंक यू सर। क्या बात है, आज आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपकी मिसेज भी इस बिजनेस को कर रही है। जी सर, जानना चाहूंगा मैम से, आप जब इस पहली बार बिजनेस में जब सर आए, आपको कैसा लगा? आपने इनको मना किया, रोका टोका कि कौन सा काम करना शुरू कर दी, या फिर आपने कहा चलो मैं भी आपके साथ लगती हूं? नहीं सर, नमस्कार, मैंने इनको रोका था कि ये क्या कर रहे हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, तो आप भी यहाँ पे फंस रहे हो और दूसरे को भी फंसा के यहाँ पे लोगों को ले आएंगे। लेकिन सर मैंने इनको देखा, जब इनके अकाउंट में पैसा आने लगा तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, लोगों से मिलके काम कर रहे हैं, हम भी इस पे करते हैं। तो मैंने जैसे इन्होंने कहा कि मेरे जीवन में सबसे बड़े मानते हैं माता पिता को, लेकिन हम मनीष सर को अपने यहाँ भगवान मानते हैं। उनकी बातों को सुन के उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे आप 5 साल लग जाइए और 5 साल में आपका जीवन बदल सकता है। 5 साल की बात छोड़िए, 1 ही साल में जीवन बदलना शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और ये साल तो बहुत लंबा, बहुत लंबा सफर है सर, 5 साल में तो बहुत बड़ा होने वाला है सर। बस यूँ देख रहे हैं भैया, मनीष सर ने आज कई लोगों के जीवन को बदला है। ये एक छोटा सा नमूना है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, जो बाकी सारे लोग पीछे हैं। मैम आपसे भी जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम बबीता है जी, मैं यही कोरा ब्लॉक से हूँ, पासे की। मैं भी एक महिला थी। आप हाउसवाइफ थे? जी जी जी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी सोची नहीं थी। नहीं सोची थी सर, और इतना सूट वाले तो सोचते थे कि वकील वगैरह पहनते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हम जाने ही नहीं थे। मैंने छोटा मोटा काम कर रहे थे, मार्केट में आए तो मेरे बच्चे के लिए बस सूजन था, यहीं से मैं प्रोडक्ट लेके यहाँ से काम करना स्टार्ट किया, और ज़्यादा नहीं 1 घंटे काम किया। अच्छा। 1 घंटे में यहाँ काम करती, 1 महीने की इनकम मेरा 20,000 की है। 1 महीने की इनकम आपकी 20,000? जी सर, जो हमारे साथी थे सब जलने लगे कि इतना यहाँ से भी कमाने लगी। तो सर मैंने घर से बहुत दिक्कतें आई, सब गांव वाले सब कहने लगे अरे का भी फालतू का काम करने लगी, मैं वो जो जॉब कर रही थी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, सब हस्बैंड भी बहुत मना किए, मैं मानी नहीं। मैं आज हमारे हस्बैंड गौर होता है कि मान इतना मना कर रहे थे, मैं छोड़ी नहीं, आज छोड़ देती तो यहाँ नहीं पहुँचती। छोड़ देती आप तो यहाँ नहीं पहुँचती। मेरे हस्बैंड अब साथ हैं, साथ में हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। पहले सपोर्ट तनिको नहीं करते थे, अब घर वालों का भी साथ है, हम घर का कोई भी काम नहीं करते। आज आपकी वजह से बहुत लोगों के जीवन में रोशनी उत्पन्न हो रही है, प्राउड फील होता है। एक स्टूडेंट कभी जिंदगी में सोचा था क्या कि अकेले जिंदगी नहीं बदलूंगा, कई सारे लोगों के जीवन में रोशनी लाऊंगा? आज आपको प्राउड फील होता है? जरूर सर, और मेरा जहां तक मानना है सर, अगर मैं नौकरी करता तो किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकता सर। और सुबह उठता मुरझुराया हुआ चेहरा, कोई विजन नहीं होता, उसी ऑफिस में जाना फिर घर पे आना। लेकिन एक ऐसा बिजनेस मुझे जाने अनजाने मिला इस जिंदगी में जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग।
हर सुबह एक नए विजन के साथ होती है सर, और लोगों के लिए सोचना पड़ता है सर, और सोच करके जब हम नई ऊर्जा के साथ रोड निकलते हैं सर, तो साथी मिलते गए कारवा बढ़ता गया। जब आपने शुरू किया होगा बिजनेस, तो आप ही के पास पड़ोस के लोग, भाई बहन, रिश्तेदारों ने आपको समझाया होगा कि नौकरी की भी तैयारी कर लो, वक्त है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं समय। बहुत लोगों ने आपको ज्ञान दिया होगा। जी, उन्हीं के चक्कर में सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी दो बार पेपर भी तो दिया सर। अच्छा। लेकिन सर, हजार रुपए का फॉर्म भर के भी तो कुछ नहीं हुआ सर। मुझे एक बात तो समझ में आ गया, तो इतना कंपटीशन हो सकता है, मैं इस कंपटीशन में बूढ़ा हो जाऊंगा तैयारी करते करते, और पीछे से मेरा बच्चा भी मेरे साथ आके तैयारी करेगा सर, लाइन नहीं लगने वाली है मेरी। मैंने सोचा कि उन्हें अब उसको छोड़ते हैं, फुल टाइम इसको करते हैं, तब से एज ए करियर फुल टाइम करता हूँ सर। जी, सबसे बेहतरीन चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की आपको क्या लगी, जो आपको बार बार इसको करने के लिए बाध्य कर देती है, अंदर से मजबूती देती है, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है सर, हम हमेशा अपने बारे में कम सोचकर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। सिक्योरिटी क्या होगी सर, हम लोग भी मनुष्य हैं, हम तो अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग साथ, और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी खूबसूरती है सर, इससे बड़ी सिक्योरिटी आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल सकती सर, रॉयल्टी इनकम। या तो हम साइंटिस्ट हों, या तो राइटर हों, या तो सिंगर हों, या तो सर नेटवर्कर हों, और मुझे गर्व है कि मैं इन तीन चार कैटेगरियों में से कैटेगरी में। साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर तो नहीं बन सकते, लेकिन नेटवर्कर हर कोई बन सकता है। हर कोई बन सकता है सर, हर उस माँ का बच्चा बन सकता है जिसके सपने में कुछ भी नहीं होगा, उसके सारे सपने पूरे कराने का हम लोग वादा करते हैं सर। सफर आपका आसान नहीं रहा होगा, अभी तो आपको बताने में अच्छा लग रहा, मैंने आईफोन लिया, लाखों रुपए कमाया, कार भी आने वाली है जनवरी में, सब कुछ बड़ा आसान आसान तरीके से आप बताते जा रहे हैं, लेकिन वो सफर आसान नहीं रहा होगा। नहीं सर, जब मैंने घर बनाया एमएलएम से, अच्छा, तो लोगों ने बोला कि यार इतना बड़ा घर कैसे बना रहा है, तो घर वालों ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। मैंने कहा होने तो बातें क्या है, तुम्हें तो पता है ना मैं क्या करता हूँ। वो बोले मुझे पता है, मुझे तेरे पे विश्वास है। हमने कहा फिर क्या है, और सब फिर फरवरी में गर्दा उड़ा दिया, शानदार घर बनाकर। ताली तो बजा दो भाई एक बार जबरदस्त, मतलब फरवरी में आपने उड़ा दिया गर्दा। जी सर, लोग चौंक गए कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होती है, आज लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ बैठकर बात करना चाहते हैं सर, वही जो लोग आज लोग आपसे अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। आज मैंने देखा है कि जो लोग सिर्फ मेरे, अगर कोई घर में कार्ड छपता था ना, तो कहीं दर्शनाभिलाषी में होता था, दर्शनाभिलाषी में तो कुछ नहीं होता है सर, आज मेरे फैमिली में या रिलेशन में भी कार्ड छपता है सर, तो ऐसी जगह नाम लिखा जाए सर, विनीत के बाद अगर दूसरा नाम होता तो मनीष यादव को होता। क्या बात है सर, अरे वाह, ये आपने कमाया है। जी सर, दिन रात आप फील्ड में निकल कर अपनी टीम के साथ काम करके आपने कमाया है। जी जी, आज आपके साथ सिर्फ रिलेशन फैमिली के लोग नहीं, बल्कि इतनी प्यारी सी टीम आधी रात को भी बुलाते होंगे तो लोग हाजिर होते होंगे आपके साथ। जरूर सर, अभी मैंने एक कॉल किया तो हमने कहा कि आज काम नहीं करना है, हम सब लोगों को जी एक जगह बैठ करके सर आ रहे हैं, उनसे मिलना है। जी, सारे लोगों ने काम छोड़ करके सर आप से मिलने के लिए तैयार। साउंड्स ग्रेट, देख रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, मैं चाहूँगा मिलना चाहूँगा सर, आ जाएं आप, स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? भूपेंद्र कुमार केसरी मेरा नाम है। आप सर क्या करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, आप क्या करते थे? नेटवर्क मार्केटिंग से पहले सर मैं सिर्फ स्टूडेंट हुआ करता था, पढ़ाई करता था, और काम की अगर बात किया जाए तो इसके पहले मैं केसरवानी परिवार से हूँ, तो अगर देखा जाए तो मैं गल्ले का धंधा और किराना के दुकान में क्या ट्रेडिशनल बिजनेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जी जी जी, ये हमारे बचपन से ही है, खानदानी है। इसके अलावा मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, इसी काम को मैं कर रहा था। इस काम करने के दौरान हमको ऐसा सिस्टम मिला जहाँ से मैं इस काम को शुरुआत करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि अपने घर की परंपरा को आप बिगाड़ रहे हो, ये काम छोड़कर दूसरे धंधे में जा रहे हो। जी सर, बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा। मना किए हैं, आज भी लोग मना करते हैं। आज ही मना करते हैं। जी सर, लेकिन लोगों ने मना तो किया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि जिस काम को सात पीढ़ियों से चला आ रहा है, भाई बब्बा भी काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, अगर मैं भी वही काम करूंगा तो कभी बदलाव नहीं होगा जीवन में। अगर हमको बदलाव करना है लाइफ में तो कुछ न कुछ हमको सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा। बदलेंगे नहीं तो हमारे लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अगर मैं बदलूंगा नहीं तो मेरा जो अगली पीढ़ी जो आने वाली है वो भी पीढ़ी क्या करेगी, वही काम करेगी, वही काम जो पहले से चला रहा है, जो चला रहा है वही गल्ले का धंधा, वही किराने की दुकान, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, उस काम में और इस काम में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? एक काम है परंपरागत से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी
बाप दादा से चला आ रहा है जी सर, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कभी भी उसमें बाउंस बैक कर सकते हैं जी सर। एक काम नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ पे आप प्रोफेशनल होकर के स्टेज पे चढ़ के दहाड़ते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, इतना अच्छा लगता है कि ये ऐसी खुशियाँ आज तक कभी लाइफ में मिला नहीं, न तो कभी विद्यालय के स्टेज पे कभी बोलने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मेरे को मिला और मैंने इस काम को शुरुआत किया, तो मेरे गुरुजनों की वजह से, सिस्टम की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर जब आया तो बोलने का भी मजा आता है, काम करने का भी मजा आता है। और जिस जिसम में आप देख रहे हैं सर, कभी सोचे नहीं थे कि कभी ऐसे शरीर पे मतलब कि कोट टाई पैंट होगा, कभी होता नहीं है, लेकिन ये सब हो कब पाया है जो सिस्टम में आए तब। किसने आपको सिस्टम में लाया, कौन था वो मसीहा, कौन था वो मेंटोर जिसने आपके भीतर के अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित किया? और मेरे को सिस्टम में लाने वाले कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलायन, जो कि एक अजनबी पर्सन थे जिनको मैं कभी जानता नहीं था, लेकिन जब उनसे मैंने पहली बार मुलाकात किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जब मेरे को जानकारी मिली, सिर्फ मैंने एक विश्वास बनाया था और उनके कहने पर मैंने काम को शुरुआत किया। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, वो कोई और नहीं है, हमारे मनीष कुमार यादव सर हैं। मैं उनके लिए चाहता हूँ सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी भी चाहिए, जरूर बजने चाहिए तालियां, बिल्कुल बजने चाहिए। क्या और उनके माध्यम से मेरे को सिस्टम मिला, मैंने काम को शुरुआत किया, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर काम मैंने जब करना शुरू कर दिया सर, तो आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन ये चीज़ मैंने देखा कि जब लोग पहले शादियों में जाते थे तो एक चीज़ सोचा करते थे, शादी होगी तो कोट पैंट टाई पहनेंगे, लेकिन ये सब सपनों हुआ करता था कि जब शादी उस समय आएगा तब पहनेंगे। लेकिन जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ये रिकॉर्ड हो गया कि तब से लेकर के आज तक इस शरीर से कभी कोट नहीं उतरा है और कभी उतरेगा भी नहीं। ये सब अगर हो पाया तो अप्लाई की वजह से हो पाया। देख रहे हैं भैया, यहाँ पे मेंटोर की यशोगान की जा रही है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि सर ने इनको पैसा दे करके नहीं बुलाया कि भैया हमारी बखान करो, बल्कि वास्तव में इन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन किया है। जी सर, है ना जी सर, एक अजनबी इंसान जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, खास करके आज के समय में जी सर, लेकिन आपने भरोसा किया, बिल्कुल सर, उस भरोसे पे सर कायम रहे, बिल्कुल सर 100% कायम रहे। आज अगर बात किया जाए तो आज हमारे गुरु हैं, आज हमारे भगवान हैं, अगर उससे भी बढ़कर होते तो मैं आज अपने माँ बाप से भी बढ़कर इनको मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ज़िंदगी में जो बदलाव लाए हैं, हो सकता है कि आगे भी ज़िंदगी में बदलाव बहुत बड़ा होने वाला भी है, वो धमाल होने वाला है शायद, है कि उस दुनिया में मेरे को कोई और देने वाला नहीं है, और कोई नहीं देने वाला। क्या बात है, साउंड्स ग्रेट। आज हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, एक तहसील है कोराव करके, आज उसी पावन धरा के कुछ ऐसे जबरदस्त फिनोमल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से जीवन जीने की कला सीखी है। और भी कुछ सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा सर, प्लीज़ आप भी आ जाएं। एक और बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम बलवंत कुमार है, मैं यहीं कोराव से मिलान करता हूं। जी, अगर बात करें सर तो मैं एक मजदूर परिवार से हूं। जी, और सर ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का, तो लोग मेरे पास आते थे क्योंकि मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट के साथ मैं मजदूरी करता था, मजदूरी तो आते जाते लोग मिलते रहते थे, देखता था लोगों को सूट टाई में, तो मैं सोचता था कचहरी से आ रहे हैं वकील होंगे। अच्छा। लेकिन मुझको बोलते थे तो मैं यही सुना था कि ये जोड़ने वाला काम है, तो ये जोड़ने वाले काम से मैं दूर रहता था, लेकिन सौभाग्यशाली था कि आज उसी काम में हूँ। और सर अगर ये सारा श्रेय जाता है मेरे जीवन में, अगर ये मजदूरी छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग करने का अगर सारा श्रेय जाता है तो मिस्टर शिवशंकर सर को जाता है, क्योंकि ये ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना तो मेरे दोस्त हैं, ना मेरे मित्र थे किसी तरीके को, नहीं बस रास्ते में इनसे भी संपर्क हुआ, सर ने मुझको बताया, सर की बात को भरोसा करके मैंने भी काम करना स्टार्ट किया। और सर जैसे कि बताया जाता है, मैं भी कभी मजदूर परिवार से था तो ये बॉडी के ऊपर कभी कोट पैंट लाने का सपना ही नहीं देखा था, लेकिन जब बड़े बड़े लोगों की बारात में जाता था तो देखता था दूल्हे के पास और कुछ अच्छे लोगों के सर पे बॉडी पे कोट पैंट होता था, तो मन में एक ख्याल चलता था कि यार कभी मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन सर हुआ। हकीकत बोला जाता है कि कभी कभी 24 घंटे में एक बार जवान पर सरस्वती का वास होता है, और शायद मेरे जवान पर उस टाइम में था और वो मेरा सपना पूरा हुआ। तो हुआ तो सर डायरेक्ट सेलिंग से हुआ, इस बॉडी पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही कोट पॉइंट आया। और सर 12वां महीना मेरा चल रहा है, अगर 12वें महीने में इस डायरेक्ट सेलिंग के अचीवमेंट की बात करें तो 1,80,000 की हो चुकी है। 1,80,000 रुपये की बैटिंग आपने कर ली। जी सर, अभी बस शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है सर। एक मजदूर इंसान जी सर पूरा जीवन बदल के रख दिया जी सर। और आपको बता दें कि
मजदूरी करना मेरे जीवन का पेशा था और मेरी मजबूरी भी थी। मजबूरी इसलिए थी सर कि मैं 2 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो रहे थे। मेरे माता जी की जिम्मेदारी मेरे घर पे मेरे सर पर थी, इसलिए मेरे पास कोई चांस नहीं था सर। क्यों, जिस परिवार से मैं मिलान करता हूँ मेरे पास यही जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ काम करके अपने माता पिता का अपने माता का अच्छे ढंग से रख सकूँ उनके घर पे, क्योंकि मेरे पास वहीं पिता का बना हुआ मिट्टी का घर था। लेकिन आज सर फक्र होता है इस डायरेक्ट सेलिंग से, जिसकी औकात सिर्फ मजदूरी करने की थी, 250-300 रुपए कमाने की थी, आज इसी डायरेक्ट सेलिंग से 63,000 की बाइक कैश पर लाया हूँ सर। 63,000 की बाइक सर। आप ही अकेले अपना जीवन नहीं बनाया नेटवर्क मार्केटिंग से, आपके पीछे ये छोटा सा टीम अभी खड़ा है, सिर्फ एक ट्रेलर है जी। बाकी सारे लोग फील्ड में हैं जी। इनके भी जीवन में आपने रोशनी लाई। अगर आप नौकरी की दुनिया में ही होते तो कितने लोगों का जीवन सफल कर पाते हैं सर? उससे पहले मैं चंद पंक्तियाँ बताऊंगा जी। हम लोग अपने दादा परदादाओं से सुनते आए कि ये करना है, ये करना है, जो काफ़ी टाइम तक चल सके सर। तो मैं एक ही बात कहूंगा, मेरा काम है कहना जी। कोई सुने या न सुने, मेरा काम है कहना, कोई सुने या न सुने, वक्त पर फल पेड़ देगा, कोई चुने या न चुने। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा बिजनेस है, ऐसा पेड़ है, इसको लगाने के बाद मैं दावे के साथ सीना ठोक के कह सकता हूँ सर कि उसकी बैठे पीढ़ी खाएगी सर, 3 पीढ़ियाँ बैठे खाएगी। अभी भी बहुत सारे लोगों की बुद्धि हरियर नहीं हो रही है। नहीं होगी, ऐसे लोगों को हरियर कब होगी? जब हमारे नाती पाएंगे रॉयल्टी तब उनको हरियर होगी, तब उनका बच्चा पूछेगा क्यों पापा तुम्हारे जीवन में नहीं आया था, बोलेगा आया तो था, सोचता रह गया। दादा हरे बजरा खेते हैं, भाग्य नौकरी न करें। सही बात कह रहे हैं सर, फिर नेटवर्क मार्केटिंग का वही दौर आएगा आएगा और तब लोग उनको नहीं पूछेंगे, तब डिग्रियां लगना चालू हो जाएगी सर जी। सर आज भी डिग्रियां लगनी शुरू हो गई है धीरे धीरे करके। हाँ धीरे धीरे करना शुरू हो गया सर। जैसे आपने कहा कि नौकरी, एक दौर था नौकरी पकड़ पकड़ के दिया जा रहा था, लोग करना नहीं चाहते थे। आज नौकरी लोग लेना चाहते हैं, मिल नहीं रहा है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग देखिए ना सर, 2030 तक देखिए ना, फिर हम ही लोग बैठ कर डिग्री देखें। हम लोग पास डिग्री नहीं है लेकिन हम लोगों ने मौके का फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया जी सर। अगर आप भी रिजेक्ट कर देते या वो भाई साहब या ये भाई साहब राह चलते अजनबी को ठुकरा देते, भगवान कभी खुद प्रकट हो के आता है क्या? नहीं सर, इंसान के रूप में ही आता है और हम अगर उस पर विश्वास कर लें तो हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है सर। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, प्यारा सा मैसेज लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि फील्ड में आप जब निकलते होंगे आज भी बहुत सारे लोग आपको मना कर देते होंगे जी। आज भी बहुत सारे लोग आपकी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते होंगे, अगर यार कोट टाई पहन के जानते हैं बड़ी बड़ी बात करता कुछ होत हुआ नहीं। ओ सर सबकी ज़िंदगी में होता है, मेरे भी ज़िंदगी में हुआ है और आज भी होता है। मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं आएगी और उनको ना बोलना आसान लगता है, हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। तो ये जीवन में सफ़र चलता रहेगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पूरी पब्लिक से कि जाने अनजाने में अगर आपके जीवन में MLM का कोई आदमी आया है आप सामने बैठा तो उसकी इज्जत करना, उसकी बातों को पूरा ध्यान सुनना सर। जहाँ कन्फ्यूजन हो उसको पूछ कर यस बोलना, नो बोलना आसान है। हमारी आपकी पीछे वाली पीढ़ियाँ नौकरी के लिए नो बोल करके आज हम लोगों को इस गड्ढे में धकेल दिया है सर। आज आप नो बोल करके अपने आने वाली पीढ़ी को धकेल दोगे सर गड्ढे। पिताजी के पिताजी ने नो बोला और आज पिताजी जबरीन कहते हैं कि जब तैयारी कर भर फार्म, धका धके के बाद एक फार्म भरे हैं जी जी। कहते जी। नहीं कहते हैं और सर सही कह रहे हैं, कहते भी हैं और कर भी रहे हैं। अभी इलाहाबाद इतना बड़ा हब है तैयारी करने का स्टूडेंटों का, अभी वहाँ आप जाकर सर देखो तो वहाँ पे एक बाप भी तैयारी कर रहा है, बगल में उसका बेटा भी कर रहा है। बिल्कुल सच्चाई बात है और ये सच है सर। क्या आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपका नाती भी तैयारी करे? तब तक तो बाप का तो काम तमाम हो चुका होगा, लेकिन वो अपने बेटे के साथ कहीं बैठ के तैयारी कर रहा होगा। उससे अच्छा है समय अभी बिगड़ा नहीं है, अभी मिल करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और एक शानदार सुनहरा भविष्य बनाते हैं। एक प्यारा सा मैसेज जा रहा सर के माध्यम से, क्योंकि सर भी कभी स्टूडेंट थे, कभी पढ़ाई करते थे, कभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कभी सर भी नेगेटिव रहा करते थे जी सर, लेकिन अब पॉजिटिव हैं, क्योंकि पहले सर को केवल इन्फॉर्मेशन थी। क्या सर? इन्फॉर्मेशन थी और क्या है ना सर, किसी ने किसी सुना सुनाया चीज था, सुना सुनाया चीज, और जिसने भी सुनाया था उसने भी किया नहीं था, किया नहीं था, समस्या है और किया होता तो हमको गलत न सुनाता, नेगेटिव बात हमारे तक न पहुंचाता सर जी सर। तो भैया यहाँ देख रहे हैं, एक बार तो मैं चाहूंगा कि सर का जो रोल अदा हुआ आप सबके जीवन में जयकारी होनी चाहिए सर की, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। आज देखना है क्या कुराओ की माटी में जान है। चलिए मैं चेक करूँ, आ जाए करीब। जिंदाबाद बोलना है। यस सर। मनीष सर जिंदाबाद, मनीष सर जिंदाबाद, मनीष सर जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। सचमुच में जान है कोराओं की माटी में। अगर आप भी कोराओं से बिलोंग करते हैं
इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जिसे प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश या इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, सर के दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं, अगर अभी भी आप अंधकार में जी रहे हैं कि कौन सा धंधा कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, जाएंगे कॉल करेंगे और बातचीत करेंगे और एक सवाल करेंगे, हम आपके बिज़नेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर कोई भी आएगा आपके साथ तो ज़िंदगी बदलेगी उसकी, जरूर सर 100% स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें। किसी भी तबके का इंसान, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी तबके को सर, क्योंकि बहुत सारे लोग रोते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारी स्थिति खराब है, हम बड़े गरीब हैं। इसमें से बहुत सारे भाई हैं जो मजदूरी करते थे, आज आपके साथ जीवन बदल रहे हैं, 63,000-64,000 की बाइक लिए हैं, ऑन कैश लिए हैं, उसके साथ में 1,80,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया सर ने, एक साल के अंदर धमाका मचा दिया। जी सर, हर तबके को लेकर चलने वाला ही बिजनेस है, और रही बात रेवेन्यू या किसी को नेटवर्क मार्केटिंग माने के लिए किसी बड़े अमाउंट की, सर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बिजनेस है, पैसे तो वहाँ लगते हैं सर, जहाँ देखिए ना इलाहाबाद में 1,000-2,000 रुपए के लोग फॉर्म भर रहे हैं, सर अब पैसे किसको माना जाए, नौकरी मिली नहीं लेकिन एग्जाम दिए नहीं, दिए नहीं, दांत निपोर के फार्म भरने का पैसा भर दिए, पूरा भर दिए, और बब्बा कर्जे लेके दे रहे हैं, क्या लेके दे रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, उनका फार्म भरना चाहिए और उससे गवर्नमेंट का अकाउंट भर रहा है सर, फार्म भर के पैसा वहाँ दे रहे हैं, बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चूतिया बनाने का धंधा है। अब क्या बताऊं सर, हम लोग चूतिया बना रहे हैं को गवर्नमेंट चूतिया बना रही है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे कहाँ जा रहे हैं सर, गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहे हैं। और कितने लोग ऑफिसर बन के आ रहे हैं, कितने लोग नौकर बन के आ रहे हैं, अच्छा बड़ी मजे की बात, नौकर भी लोग बड़ा सीना ठोक के बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं मालिक बनना है, उनको शर्म लगता है, ऐसे लोगों का एक ही इलाज है सर। ऐश्वर्या कहती हमारे खूबसूरती के राज लक्ष्य है, जाए दुकान खरीद लावा थी और हम कहते कि पेटे में गैस यह है लैला, हमारे प्रोडक्ट लैला, जिंदगी सुधर जाएगी, तैयार नहीं है। अब समस्या यही ना, उनको ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, उसके चक्कर में उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं। क्या बात, सही बात है, और हो सकता है शायद हम लोग सलमान खान ना लगते हों, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ सर कि हम लोग कोई नामी गिरामी घर से नहीं है, लेकिन आने वाले जिस दिन 5 साल होगा ना सर, किसी सलमान खान से कम इज्जत शोहरत ऑल इंडिया में पहचान नहीं, कम नहीं, क्योंकि हम बीमारी और बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं। जी जी, कोई भी व्यक्ति अधमरा हो गया हो एकदम से, जी अंग्रेजी दवाई खात खात अगर थक गया हो, जी क्या आपके साथ अगर वो आएगा तो उसका जीवन स्वस्थ होगा? 100% होगा ना। जी सर, हमारे प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट है सर, एक बार यूज करिए और फिर आप पूरे जीवन दूसरे को आप ही बताओगे, फिर हमें बताने की जरूरत ही नहीं, डब्बे घूमोगे मिलेगा नहीं मेडिकल स्टोर में। हाँ मेडिकल, हाँ अभी आपने सही बात करी सर, कुछ लोग इस जीवन में मिल जाते हैं, एक बंदा हमारा डेंटो डेंटो डाग लेकर स्टोर में घूम रहा था, तो वही बात है ना, जब प्रोडक्ट शानदार है जहाँ से मिल रहा वहीं लोग स्टोर में मत ढूंढो, क्योंकि स्टोर तो एक ट्रेडिशनल है सर, अभी तक तो वहीं तो ढूंढे हो क्या मिला, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ नहीं मिला, जेब खाली हुई। साउंड्स ग्रेट, तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे कॉल करेंगे और बातचीत करेंगे और सिर्फ एक सवाल करेंगे, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस, अगर कोई शंका सिकवा गिला होगी तो टेबल टॉक बैठ के कर सकते हैं आपसे, है ना सर? जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।